हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पुश बटन का यूज करके उसी से ऑन भी करना है और ऑफ भी करना है। मतलब दो डिफरेंट, एक पहले तो हम क्या करते हैं, किसी सर्किट को बनाने के लिए एक ऑन का बटन लगाते हैं, एक ऑफ का। लेकिन यहाँ पे हम एक ही बटन से ऑन भी करवाएंगे और एक ही बटन से ऑफ भी करवाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया एफएक्स सीपीयू, क्योंकि मेरे पास एफएक्स सीरीज की पीएलसी है मित्सुबिशी। और स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक बिट ऑन करवाने के लिए एक पुश बटन लेता हूँ X0। इससे हमें ऑन भी करवाना है ऑफ करवाना है। अब अगर एक ही बटन है ऑन ऑफ करवाना है तो उसके लिए आपको पता होगा कि आप उसके लिए ज़्यादा फ्लैग यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ से मैंने एक M0 को हाई करवा लिया। अब इसका NO यूज करते हैं हम किसी चीज़ को ऑन करवाने के लिए। अब किसको ऑन करवाना है, चलो मान लो कॉयल लेते हैं हम यहाँ पे, वाई नॉट, ये हमको ऑन करवानी है। ठीक है, अब वाई नॉट तो ऑन हो गई, इसको होल्डिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि तभी तो ये ऑन रहेगा। नहीं तो जितनी देर तक दबाएंगे X0 को उतनी देर तक ऑन रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। चलो इसकी होल्डिंग देते हैं हम वाई नॉट की। अब ये हमारा होल्ड हो गया। अब जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे, इसको कंपाइल करके आप अगर आप चेक करना चाहें चेक कर लो। देखो मैंने क्या कर दिया, सिमुलेट। अब देखो अभी मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ X0 को, जितनी देर तक दबा कर रखूँगा देखो उतनी देर तक ऑन रहेगा। जैसे मैं ऑफ करा, ऑफ भी हो गया, बट सॉरी मतलब ऑन रह गया क्योंकि इसकी मैंने होल्डिंग दे दी, ये ऑफ नहीं हो रहा है। दोबारा ऑन करूँगा तो ऑन ही रहेगा, लेकिन ऑफ नहीं हो रहा। अब हमें इसको ऑफ भी करना है, तो उसके लिए लॉजिक आगे हम डिजाइन करते हैं। आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। सिमुलेशन ऑफ करता हूँ मैं और फिर से मैं लैडर को एडिट करने स्टार्ट करता हूँ। इतना देर तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से ऑन हो रहा है ऑफ नहीं हो रहा है। अब हमें इसे ऑफ भी करना है। अब इसको ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से इसके लिए एनसी लेते हैं और यहाँ पे एनसी लेते हैं और एक यहाँ पे एक बिट देते हैं M1 देते हैं इसे, सॉरी फ्लैग M1 दिया। अब फ्लैग दे दिया, इसकी होल्डिंग करवाते हैं M1। और अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये M1 तभी ऑन हो जब हमारा वाई नॉट ऑन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाई नॉट की NO दे देंगे कि जब हमारा वाई नॉट ऑन हो तो हमारा M1 ऑन होगा। हम ये M1 के यूज क्यों कर रहे हैं, इसको ऑफ करने की कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं। आगे फिर देखते हैं यहाँ पे। अब हम फिर से एक यहाँ पे M0 को NO ले लिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने NO क्यों लिया है यहाँ पे M0 का। उसके बाद M1 का भी NO यूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे फ्लैग भी दे सकते हो या आउटपुट भी दे सकते हो, मैंने Y1 दे दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक होल्डिंग देता हूँ वाई नॉट की, सॉरी Y1 की, सॉरी पोजीशन करेक्ट, वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ पे हमने होल्डिंग दे दी Y1 की। अब ध्यान से देखना, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अभी इसको कंपाइल करके अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बट इसमें भी थोड़े चेंजेज होंगे। अभी हमें Y1 की यहाँ पे एनसी डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। एनसी इसलिए डाल रहे हैं कि जैसे ही हमारा वाई नॉट ऑफ होगा,
वाई नॉट ऑफ कब होगा? जब वाई वन ऑन होगा, वाई वन ऑन होगा तो वाई वन वाई नॉट को अपने आप ऑफ कर देगा। ठीक है, अब देखो आप, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में ये एन सी रहेगा। अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें मैंने क्या किया अभी। ये हमने कर दिया सिमुलेट। अब देखो आप, अभी हमारी ए बिट हाई है और ए बिट हाई है क्योंकि हमने इसका एन सी यूज किया है। ए वाई वन है, ए वाई नॉट हमारी, ये आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। आप यहाँ पे बिट भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से एक बार उस किसी चीज़ को ऑन करवाओ और दूसरी चीज़ को ऑफ करवाओ और दूसरी चीज़ को फिर यहाँ से ऑन करवाओ और पहली चीज़ को यहाँ से ऑफ करवा दो। चलो ठीक है, अब हम एक्स नॉट को देखो एक बार हाई करके देखते हैं। देखो अब ध्यान से, मैंने एक्स नॉट को एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया, हमारा क्या हुआ वाई नॉट, यहाँ देख ज़्यादा कर्सर जहाँ पे वहाँ पे देखना, वाई नॉट ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे एम वन होल्ड करा है हमने। अभी इसका समझ में आ गया होगा कि हमने एम वन क्यों लिया है। एम वन यहाँ पे सर्किट को पूरा कर रहा है। अब दोबारा जैसे ही हम एक्स नॉट को हाई करेंगे, कर्सर का ध्यान रखना कर्सर कहाँ पे हमारा, जैसे एक्स नॉट को हाई करेंगे एम नॉट हाई होगा। अब एम नॉट हाई होगा तो ये एन ओ क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा और ये हमारा लेटर पूरा हो जाएगा। वाई नॉट को सप्लाई चली जाएगी, वाई नॉट को सप्लाई चली गई, फिर ये होल्ड कर देगा इसको। ठीक है, अब देख लो आप, मैंने करा स्विच ऑन करा, अब देखो यहाँ पे बंद हो गया। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा वो पूरा सर सिस्टम ऑफ हो गया। मतलब जब मैंने पहली बार प्रेस कर ऑन करके ऑफ किया तो मैंने होल्डिंग दे रखी है इसकी, इसलिए वो ऑन है। यहाँ पे दोबारा जब मैं प्रेस करता हूँ तो सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, दोबारा ऑन ऑफ करके देख लो आप, एक्स नॉट को मैंने ऑन किया, उसको ऑफ करना पड़ेगा दोबारा क्योंकि एन ओ होता तो एक बार प्रेस कर देंगे आप तो वापस वो अपने पोजिशन पर जाता है। देख लो आप ध्यान से देख सकते हो, जब मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा तो हमारा वाई नॉट को ऑन कर रहा, वाई वन को ऑन कर रहा है, वाई नॉट ऑफ हो रहा है। दोबारा इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरा पूरा सिस्टम। ये था पुश बटन, यूज अ सिंगल पुश बटन टू ऑन ऑफ एनी डिवाइस, मे बी लैम्प, अ सोलिनॉइड कॉल। यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान रखना, जो सोलिनॉइड वाल का केस होता है हम सेम बटन पे ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो मैंने वाई नॉट करा है इसको आप क्लैंप दे दो और वाई वन को डी क्लैंप दे दो। जब एक बार दबाएंगे तो क्लैंप होगा, जब दूसरी बार करेंगे तो डी क्लैंप होगा, फिर दबाएंगे उसको पुश करेंगे मतलब तो फिर क्लैंप होगा, फिर से पुश करेंगे तो डी क्लैंप होगा जब भी हम एक्स उनको प्रेस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ वीडियो में चेंजेस करने हो तो आप बता सकते हो मुझे। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बाकी कोई भी आपके सजेशंस हो आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।